पाषाण युग लाखों वर्षों की अवधि पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता है और मानव विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हालांकि पाषाण युग को अक्सर आदिम जीवन शैली से जोड़ा जाता है, लेकिन यह संघर्ष के बिना नहीं था। इस युग के दौरान हमारे पूर्वज निरंतर अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए लड़ते रहे। इस युद्ध में आदिमानव विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करता था जो उसके पास उपलब्ध थे। आइए इन दिलचस्प तथ्यों के साथ पाषाण युग के युद्ध की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं। पाषाण युग का युद्ध भाले, तीर बाण, लाठी और गुलेल जैसे बुनियादी हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर करता था। ये उपकरण चकमक पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों जैसी सामग्रियों से तैयार किए गए थे, जो अस्तित्व और युद्ध के लिए प्रभावी हथियार बनाने में हमारे पूर्वजों की संसाधनशीलता को प्रदर्शित करते थे। पाषाण युग में संघर्ष अक्सर जनजातीय था, जिसमें समूह भोजन, पानी और क्षेत्र जैसे संसाधनों के लिए युद्ध करते थे। इस प्रकार के युद्ध में समूह के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक साथ रहने के लिए सामर्थ्य दिखाया और सामाजिक संरचनाओं और गठबंधनों के विकास की नींव रखी। पाषाण युग के दौरान परिवहन का कोई उचित साधन नहीं था, जिस कारण पाषाण युग के युद्ध आम तौर पर एक सीमित भौगोलिक सीमा के भीतर होते थे। लड़ाइयां पैदल लड़ी जाती थी, लोग प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके ही युद्ध करते थे और इससे पर्यावरण को कम हानि पहुंचती थी। जैसे जैसे आदिम समाज की जनसंख्या बढ़ी, संसाधनों के लिए लड़ाई तेज हो गई, जिससे बार बार संघर्ष होने लगे। पाषाण युग के युद्ध के कारण भोजन, आश्रय और जीवित रहने के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से जुड़ी हुई थी। बाहरी हमलों के खतरे के जवाब में कुछ पाषाण युग आदिमानव समुदाय के लोगों ने रक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण किया। इनमें प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के हमलों से बचाने के लिए पत्थर, लकड़ी या अन्य प्राकृतिक सामग्री से बनी साधारण दीवारें शामिल हो सकती हैं। पाषाण युग के अंत में धातु की खोज और उपयोग ने हथियार विज्ञान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया। तांबे और कांस्य हथियारों ने धीरे धीरे अपने पत्थर के समकक्षों की जगह ले ली, जिससे युद्ध की गतिशीलता में क्रांति आ गई और कांस्य युग के आगमन में योगदान हुआ। पाषाण युग की कला जैसे गुफा चित्र और नक्काशी इस अवधि के दौरान युद्ध की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। युद्ध, हथियार और शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया है, जो प्राचीन समुदायों के जीवन में संघर्ष के सांस्कृतिक महत्व की झलक पेश करते हैं। पुरातत्व उत्खनन से प्रागैतिहासिक युद्ध के बहुमूल्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आघात के निशान वाले कंकाल अवशेष, गढ़वाली बस्तियां और हथियारों के भंडार शोधकर्ताओं को इन प्राचीन संघर्षों की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। दफन स्थलों के अध्ययन से न केवल प्रागैतिहासिक युद्ध की क्रूरता का पता चलता है, बल्कि शहीद योद्धाओं से जुड़े सांस्कृतिक महत्व का भी पता चलता है। पत्थर युग की युद्धकला ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह युद्धकला हमें दिखाती है कि कैसे प्राचीन काल के लोग अपनी रक्षा के लिए सख्त और अद्वितीय तकनीकों का उपयोग करते थे। इससे हमें आज के युद्धकला की समझ में मदद मिलती है और हमें यह भी दिखाता है कि मानवता किसी भी युद्ध स्थिति से उबारने के लिए अपने आदिकालीन अनुभव से कुछ सीख सकती है।